इस मूवी के स्टार्ट में हमें कैंट की फैमिली को दिखाया जाता है। इसमें उसकी वाइफ मैग, उसका बेटा जैक और उसके फादर रहा करते थे। और आज जैक का बर्थडे था जिसे वो लोग सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन इस बर्थडे पार्टी में जो उन्होंने क्लाउन यानी जोकर बुलाया था वो नहीं आने वाला था। इसीलिए मैं कॉल करके कैंट को सारी सिचुएशन बताती है। कैंट जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर था, अभी भी एक ऐसे घर में था जिसे उसने सेल करना था। वो घर शायद किसी एक्टर का था क्योंकि उस जगह बहुत सारे कॉस्ट्यूम थे। कैंट उन कॉस्ट्यूम को देखता है और डिसाइड करता है कि वो खुद ही एक क्लाउन बनकर उस पार्टी में जाएगा। कैंट वहाँ बहुत से क्लाउन कॉस्ट्यूम देखता है लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आता। और फिर उसकी नज़र एक बॉक्स पर पड़ती है जिस पर केसी लिखा हुआ था। कैंट जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से एक क्लाउन कॉस्ट्यूम निकलता है जो उसे पसंद आ जाता है। कैंट उस बॉक्स में से क्लाउन कॉस्ट्यूम निकालता है और उसे पहनकर पार्टी में बच्चों को खुश करने के लिए चला जाता है। रात को कैंट उस कॉस्ट्यूम को पहने पहने ही सो जाता है, लेकिन जब सुबह उठता है उसे पता चलता है कि वो कॉस्ट्यूम उसकी बॉडी से अटैच हो गया है। लेकिन तब जैक को स्कूल जाना था, इसीलिए वो उस कॉस्ट्यूम को उतारे बगैर ही जैक को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है। वापिस आने पर कैंट उस कॉस्ट्यूम को उतारने की कोशिश करता है। वो उस कॉस्ट्यूम को काटने के लिए पेपर कटर का यूज करता है, फिर एक मशीन कटर का, लेकिन कोई भी चीज उस पर कुछ नहीं कर पाती, यहाँ तक कि वो मशीन कटर खुद ही टूट जाता है। इसके बाद कैंट अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। और अब मैग कैंट के नोज से वो क्लाउन नोज उतार रही थी, इससे कैंट को बहुत ज्यादा पेन होता है क्योंकि उस क्लाउन नोज के साथ कैंट की नोज स्किन भी उतर गई थी। यहाँ वो क्लाउन नोज उतर कर नीचे गिर गई थी जिसे उनका पेट डॉग खा लेता है। और अब कैंट अपनी नोज के लिए डॉक्टर से कंसर्न करता है और वो डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन सजेस्ट करता है। अब रात में कैंट को बहुत ज्यादा भूख लगती है और वो अपने घर का सारा खाना खा लेता है। ये सब कुछ मैग देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि एक आदमी इतना सारा खाना कैसे खा सकता है। नेक्स्ट डे कैंट उसी घर में जाता है जिस घर से उसे वो कॉस्ट्यूम मिला था। कैंट उस घर के ओनर के बारे में और उस बॉक्स की कंपनी के बारे में पता करना चाहता था जिस बॉक्स से वो कॉस्ट्यूम निकला था। जैसे ही कैंट को उस कंपनी के ओनर के बारे में पता चलता है, वो उसे कॉन्टेक्ट करता है और उसे उस कॉस्ट्यूम के बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि किसी भी हाल में कोई भी इंसान उस कॉस्ट्यूम को हाथ ना लगाए। लेकिन तब कैंट उसे बताता है कि उसने तो वो कॉस्ट्यूम पहन लिया है, अब वो कॉस्ट्यूम उसकी बॉडी से उतर भी नहीं रहा। सब सुनने के बाद वो आदमी उसे अपने घर पर इनवाइट करता है ताकि उसकी प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जा सके। जब कैंट उस आदमी के घर जाता है तो वो आदमी कैंट को कॉफी ऑफर करता है, उसे अपने भाई के बारे में बताता है जिसका वो घर था, ये भी बताता है कि उसका भाई मर गया था। उसी के साथ वो उसे एक लेजेंड क्लाउन के बारे में बताता है जो कि एक डीमन यानी शैतान था। वो आदमी कैंट को बताता है कि उस डीमन की पूरी बॉडी नेचुरली एक क्लाउन जैसी थी और वो डीमन बच्चों को खुश करने का काम करता था और हर साल उन बच्चों में से 5 बच्चों को खा लिया करता था। अभी कैंट ये सब कुछ सुन ही रहा था कि एकदम से वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उस आदमी ने कैंट की कॉफी में कुछ ड्रग्स मिलाए हुए थे, वो बेहोश हो गया था। इसके बाद वो आदमी कैंट को एक टेबल पर लिटा कर बांध देता है और उसका गला काटने ही वाला था, तभी कैंट को होश आ जाता है और उन दोनों के दरमियान में फाइट शुरू हो जाती है। अब वो आदमी कैंट को अपनी गन से शूट करने वाला था, लेकिन कैंट जल्दी से उसके हाथ से गन ले लेता है, उसी के ऊपर पॉइंट करके उसे क्वेश्चन करता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। और यहाँ वो आदमी कैंट पर रिवील करता है कि जो उसने कॉस्ट्यूम पहना है वो असल में एक कॉस्ट्यूम नहीं है बल्कि उस लेजेंड क्लाउन जिसके बारे में वो बता रहा था कि वो एक डीमन है, उसकी स्किन है। कैंट अब उस आदमी को और उसकी वो लेजेंड क्लाउन वाली बुक को लेकर अपने घर चला जाता है। कैंट अपनी वाइफ मैग को सारी बातें बताता है, लेकिन उस टाइम उसके घर पर उसके फादर और कुछ रिलेटिव्स भी थे, उसकी बातें सुनकर उसे पागल कहते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि कैंट पर वो डीमन हावी हो रहा था, इसीलिए वो गुस्से में आकर अपने रिलेटिव का हाथ तोड़ देता है, फिर कार में आ जाता है जहाँ उसने उस आदमी को बंद किया हुआ था। और जब कैंट उस आदमी को पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा था क्योंकि उसने कैंट को मारने की कोशिश की थी, तभी वो आदमी अपने हाथ छुड़वाकर कैंट पर अटैक कर देता है की वजह से कैंट की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कैंट उस आदमी को कार से बाहर निकालता है और उसे बहुत मारता है, लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि तुम अपने आप को खत्म कर लो क्योंकि डीमन तुम्हारे ऊपर हावी हो गया है, उस डीमन को अब बच्चे चाहिए खाने के लिए। फिर उसी टाइम वो एक कार में कुछ बच्चों को देखता है जिन्हें देखकर उसे भूख लग जाती है। अब वो सच में एक डीमन
ह्यूमन में कन्वर्ट हो रहा था, इसीलिए वो अपने खाने के लिए बच्चों को ढूंढता है। एक जंगल में चला जाता है जहाँ कुछ बच्चों का एक कैंप लगा हुआ था। एक वहाँ एक बच्चे को देखता है और उसे कहता है कि मुझे भूख लगी हुई है। जैसे ही वो बच्चा केंट को कैंडी देने के लिए वहाँ उसके करीब आता है, केंट कैंडी के साथ उसका हाथ भी खा लेता है। इस चीज से हमें पता चल रहा था कि केंट भी एक डीमन बनता जा रहा है। और दूसरी तरफ पुलिस मैग से उसके हस्बैंड के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। मैग पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन देती है ताकि वो उसके हस्बैंड को ना पकड़े। और फिर वो घर आने पर वो बुक देखती है जो लेजेंड क्लाउन के बारे में थी, केंट ने उस आदमी से ली थी। और जैसे ही वो उस बुक को पढ़ती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि केंट अब एक डीमन में चेंज हो रहा है। यहाँ केंट एक वॉशरूम में था जहाँ वो अपने फेस को बहुत गौर से देख रहा था जो डीमन में चेंज हो रहा था। उसके दांत भी अजीब हो गए थे और स्किन बिल्कुल व्हाइट हो गई थी और साथ ही उसकी आईज का कलर भी चेंज हो रहा था। उसे उस वॉशरूम के अंदर कुछ बच्चों की आवाज आती है, लेकिन वो वहाँ से फौरन भाग जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई बच्चा उसके पास आए और वो उस बच्चे को खा ले। इसके बाद केंट अपने एक घर में जाता है जहाँ उसे बच्चा मिलता है और वो केंट को एक क्लाउन समझ रहा था और इसीलिए वो उससे फ्रेंडशिप करना चाहता था। लेकिन वो उस बच्चे को डांट देता है और जल्दी से अपने घर के अंदर चला जाता है। उस वक्त वो बच्चा वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो केंट के लिए खाना लाता है, लेकिन केंट उसे दोबारा वहाँ से भगा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केंट का डॉग भी एक डीमन में कन्वर्ट हो रहा था, क्योंकि उसने उस डीमन का नोज जो खा लिया था। और उसके बाद केंट डिसाइड करता है कि वो अपने आप को मार देगा, क्योंकि वो एक ही तरीका था जिससे वो डीमन उसकी जान छोड़ सकता था। वो ये डिसाइड करते ही अपनी वाइफ को आखिरी मर्तबा कॉल करता है, उसे बताता है कि वो अपने आप को मारने वाला है। सब सुनकर मैग उसे ढूंढने के लिए निकल जाती और यहाँ केंट अपने माउथ में गन रखकर अपने आप को शूट कर देता है, लेकिन वो मरता नहीं है बल्कि उसके ब्रेन में से रेनबो कलर्स निकलते हैं और इससे हमें पता चलता है कि वो पूरा का पूरा डीमन बन चुका है। उसे मारना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और जब गन वर्क नहीं करती तो उसे याद आता है कि वो कॉस्ट्यूम वाला आदमी केंट का गला काटना चाहता था, जिससे शायद केंट मर सकता था। और इसके बाद वो एक शॉप पर जाता है और वहाँ से मशीन कटर्स लेकर आता है और चेयर पर बैठ के चेयर को पीछे की तरफ मूव करता है ताकि उन कटर से उसकी गर्दन कट जाए। लेकिन तभी वहाँ वो बच्चा आ जाता है जो केंट से फ्रेंडशिप करना चाहता था। और ब्लेड केंट का गला तो नहीं काटती बल्कि टूट कर उस बच्चे पर लग जाती है और वो बच्चा मर जाता है। और फिर केंट उसकी डेड बॉडी को खा जाता है। और उसी दौरान उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर उसकी वाइफ भी आ जाती है, लेकिन केंट उसे वापस जाने का कहता है। पर मैग उसे किसी न किसी तरह अपने साथ घर ले ही आती है। घर आने पर केंट उसे कहता है कि मुझे बांध दो, मुझे बिल्कुल ना खोलना, यहाँ तक कि मैं खुद भी कहूँ तब भी ना खोलना। फिर मैग ऐसा ही करती है और उसे पिलर के साथ बांध देती है। अब मैग अपने हस्बैंड की इस डीमन कॉस्ट्यूम से जान छुड़वाना चाहती थी और इसीलिए वो लेजेंड क्लाउन बुक को अच्छी तरह देखती है, जहाँ उस पर रिवील होता है कि वो आदमी जो केंट को मारना चाहता था वो भी एक बार इस दौर से गुजर चुका है, यानी वो भी एक बार ये डीमन ड्रेस पहन चुका है। इसीलिए अब वो उस आदमी के पास जाना चाहती थी ताकि उसे पता चल जाए उसने इस ड्रेस से कैसे जान छुड़वाई थी। यहाँ वो आदमी हॉस्पिटल में था, उससे मैग मिलती है जहाँ वो उससे बताती है कि वो अपने हस्बैंड को उस डीमन ड्रेस से छुड़वाना चाहती है, लेकिन वो आदमी बोल नहीं पा रहा था और इसीलिए वो मैग से लिखकर पूछता है कि इस वक्त केंट कहाँ पर है। और मैग बताती है कि वो तो घर पर है, जिस पर वो आदमी उसे समझाता है कि केंट पर बिल्कुल ट्रस्ट ना करना। उस आदमी से ये भी पूछती है कि मुझे बता दो कि उस ट्रस्ट से कैसे जान छुड़वाई जाएगी, लेकिन वो आदमी बार बार उसे यही समझाता है कि तुम उसका ट्रस्ट मत करना। इसके बाद मैग उसी घर में जाती है जिस घर से केंट को वो ड्रेस मिला था और वहाँ जाने पर उसे एक कैमरा मिलता है जिसे देखने पर उसे पता चलता है कि जब उस आदमी ने ये ड्रेस पहना था और वो पूरा का पूरा डीमन में चेंज हो गया तो उसके भाई ने उसे 5 बच्चे लाकर दिए थे जिनको कैंसर था और फिर उस आदमी के अंदर डीमन ने उस बच्चों को खा लिया था, इस तरह उसकी जान बच गई थी। यहाँ मैग जैक को स्कूल से पिक करना भूल गई थी और स्कूल में कुछ बच्चे जैक को तंग कर रहे थे, इसीलिए वो उन बच्चों से लड़ता हुआ अपने घर वापिस आ गया था। यहाँ केंट एक पिलर के साथ बंधा हुआ था। केंट जैक की आवाज़ सुनकर जैक को अपने पास बुलाता है। जैक केंट को बताता है कि किस तरह कुछ लड़कों ने उसे बहुत तंग किया और फिर वो जैक से चैन कटर मांगता है और अपने आप को छुड़वा कर उन बच्चों को सबक सिखाने चला गया था। बच्चों ने जैक को तंग किया था। और दूसरी तरफ मैग को कॉल आती है कि जैक अपने स्कूल से चला गया है।
और वो जल्दी से डर कर अपने घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि केंट उस जगह पर नहीं है जहाँ पर वो उसे छोड़ कर गई थी। और फिर वो जैक से उसके फादर केंट के बारे में पूछती है, इस पर जैक उसे सारी बात सच सच बता देता है। अब जब मैक को सब पता था कि केंट उस बच्चे को खाने गया है, और फिर जैक की मॉम डिसाइड करती है कि वो जैक को उसके नाना के घर छोड़ाएंगे ताकि वो वहाँ पर सेफ रह सके। और दूसरी तरफ केंट ने उस बच्चे को खा लिया था। जैसे ही अब मैक जैक को लेकर उसके नाना के घर जा रही थी, तो वहाँ पर उनका डीमन बना हुआ डॉग भी उन पर बहुत जोर जोर से भौंकने लगता है। तभी पीछे से केसी कंपनी का ओनर आता है और उस डॉग का गला काट के उसे मार देता है। वो आदमी मैक की हेल्प करने के लिए हॉस्पिटल से आया था, और वो आदमी उसे अब अपनी स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि उसकी एक केसी कंपनी थी जिसमें वो बहुत से क्लाउन ड्रेसेस बनाया करता था। और एक दिन एक आइसलैंड से उनके पास एक शिप आई, और उस शिप के अंदर सारी चीजें खराब थी, लेकिन सिर्फ ये कॉस्ट्यूम ही ठीक था। बताता है कि मैं उसे बेचने से पहले एक बार खुद ट्राई करना चाहता था, क्योंकि उसका भाई एक कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर था और वो उन बच्चों को ड्रेस पहनकर एंटरटेन करना चाहता था। फिर वो आदमी वो ड्रेस पहन लेता है और उन बच्चों को एंटरटेन करता है, लेकिन जब वो ड्रेस उतारने लगा था, वो ड्रेस उसकी बॉडी पर स्टक हो गया। फिर वो एक पूरे डीमन में कन्वर्ट हो गया था। और फिर उसका भाई उसके लिए 5 ऐसे कैंसर पेशेंट लेकर आया जो लास्ट स्टेज पर थे, जिसे उस डीमन ने खा लिया, और इस तरह उस आदमी की जान बच गई थी। इसके बाद वो आदमी बताता है कि उसके डॉक्टर भाई ने वो कॉस्ट्यूम रख लिया, और फिर उसने उस कॉस्ट्यूम की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। लेकिन अब जब वो मर गया है, तो ये कॉस्ट्यूम केंट के हाथ लग गया। वो बताता है कि हमें हर हाल में केंट को रोकना है, नहीं तो वो बहुत तबाही कर देगा। के बाद वो लोग जैक को उसके नाना के घर छोड़ते हैं और उस लड़के के घर जाते हैं। उस लड़के ने जैक को तंग किया था, और वहाँ जाकर वो देखते हैं कि केंट ने उस लड़के को बुरी तरह खा लिया था। इसके बाद वो दोनों सोचते हैं कि अब केंट कहाँ गया होगा, जिस पर मैक को सोचते हुए पता चलता है कि इतनी रात को जो बच्चों के लिए प्ले स्टेशन खुला होगा, केंट जरूर वहीं पर होगा। और जब प्ले स्टेशन जाते हैं, तो पहले तो उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर वो देखते हैं कि एक बाउंसी से बच्चे का एक कटा हुआ हाथ बाहर आया है। इसे देखकर सारे तो डर जाते हैं, लेकिन उन दोनों को पता चल जाता है कि केंट जरूर यहीं पर है। और इतने में ही केंट मैक के साथ आए हुए आदमी पर हमला कर देता है, लेकिन तब मैक उसे बताती है कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। यहाँ अब वो डीमन उसे कहता है कि मुझे अब एक और बच्चा चाहिए, क्योंकि मैं हर साल 5 बच्चों को खाता हूँ, और अब केंट की बॉडी में आने के बाद मैं 4 बच्चों को तो खा चुका हूँ, और मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए, और वो भी अब तुम्हारा बच्चा होगा जैक। पहले तो मैक बहुत ज्यादा घबरा जाती है, और फिर कुछ सोचकर उस डीमन को हाँ कह देती है। अब यहाँ प्ले स्टेशन पर क्योंकि 4 बच्चों का मर्डर हुआ था, तो इसीलिए वहाँ पर पुलिस आ जाती है, और केसी कंपनी के ओनर को मुजरिम समझकर पकड़ लेती है। और यहाँ मैक एक बच्ची को लेकर अब डीमन के पास आ रही थी, लेकिन तभी मैक को एक पुलिस वाला देख लेता है और उस बच्ची को बचा लेता है। और अब मैक बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अब डीमन अब जैक के पास जाएगा, इसीलिए वो फौरन अपने फादर के घर जाती है, और वहाँ देखती है कि उसके फादर और जैक बिल्कुल सही हैं। पर उसी टाइम वहाँ पर केंट आ जाता है, उसके डैड को मारकर अब मैक पर अटैक कर देता है। वो मैक को मारकर वहाँ से दूर फेंक देता है, लेकिन मैक अभी भी जिंदा थी। और फिर वो डीमन जैक को ढूंढने के लिए बढ़ गया था, लेकिन बहुत ही होशियारी से मैक उसे एक जंजीर के साथ बांध देती है। और फिर वो बहुत जल्दी से पीछे से एक एक्स लेकर आती है और इस डीमन का गला काट देती है। यहाँ अब हम देखते हैं कि डीमन स्किन ने केंट की बॉडी को छोड़ दिया था। उसी टाइम वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सारे एविडेंस सेव कर लेती है, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।